सर जी आप ऐसे मत बोलो, हमें कहते हैं आपके सर ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बोला, बोलूंगा। दुनिया का कहना थोड़ी छोड़ दी हूं मैं, कोई श्री राम थोड़ी थी हूं जो लोगों के कहने पे अपनी पत्नी को छोड़ दे। मैं कृष्ण हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ी हूं। दुनिया थान के कहे छोड़ दिए हुए थे भाई। मर्यादा सोचो, भगवान राम की जगह भगवान कृष्ण होते, उनकी पत्नी रुक्मणी के बारे में कुछ कहा जाता, तुम्हें क्या लगता है भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को छोड़ देते क्या? कभी नहीं छोड़ते। तो जरूरी थोड़ी भैया मैं राम थोड़ी हूं जो लोग कहेंगे वैसे मैं चलूंगा। और लोग कह कहेगा लोग की अरे की तो कहना चाहिए था ना। एक चीज ही खुशी मनाओ, आप मार्केट में जिंदा हो अगर आपकी चर्चाएं हो रही है, थारे बारे में कोई की बोले बोल रही गो। और आदमी का एक स्वभाव है कि आदमी दूसरे के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलता है। ये चीज की मैं चिंता नहीं था, लागे मेरे ईश्वर शरीर वार सूख जाऊं और मैं क्यों के बोला। कई बार तो मैं खुद सुनू और जको कोई मतलब लागो देखो तो कौन सी बात कोई गोली, लेकिन फिर भी सुनी मैं खुद अचुमो करो। शुरुआत में यहाँ होती कि यार क्यों बोले, अब जब कोई ने बोले नहीं जब मेरे यहाँ हो जाए यार बात की आप मार्केट में जिंदा तो आगे तो बोल। अब मन खुशी है कोई बोला आपके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है भले ही वो नेगेटिव ही बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और आप हमेशा खुश होना कि आपके बारे में मार्केट में कोई ना कोई बोलता ही बोलता है। आ दुनिया है, आ सीता पर आंगली उठा दी थान ला गए किसी और लड़की को ये दुनिया सिर्फ बोलेगी कति कौन बोले बोलन दो आई तो गलत कहेगा टिंगरी फर्जी है बोलन दो के टेंशन। हाँ हूं तेरे सा मन ब्याह कौन करना तेरू मन मतलब को नहीं मेरे मन तू कितो ही बोलनी हूं। जिसके पास जाना है आपको शरीफ किसकी नजर में रहना है, आपकी पत्नी के नजर में आप शरीफ रहो, माता पिता की नजर, दुनिया क्या कहती है किंग किंग को ध्यान रखांगा पा। तो कहने दे मुना मजा लेने दे कि मैं श्री राम नहीं हूं। तभी तो राम का चरित्र है, कृष्ण की नीति है, दोनों में बहुत अंतर है। फिर राम का चरित्र है, कृष्ण की नीति है। तो भैया राम कौन बन सकता, कोई नहीं बन सकता राम। थोड़ो सो कहो कहता है सीता छोड़ दियो, अब कह आ कर बा कर सो क्यों छोड़ दियो, मैं पढ़ाऊंगा के आंसनो ही छोड़ दियो, दुनिया के अनुसार बोलनो ही मैं छोड़ दियो, शायरी भी मैं छोड़ दियो, प्राण और छोड़ दियो। अरे दुनिया कहती है तो उन्होंने मेरे वीडियो क्यों देखे ये बताओ। गड़जुर्त पटरी बान भाई भी मैं यहां बोलू बन के बेरो भाई क्यों देखे भाई तू बता भाई क्यों देखे मेरा। अरे पांच जना बोल रहे पांच खातरियां कर दियो, कई बार तो इसी इसी घटना हो रही है। बुढ़ी बुढ़ी लुगाया आगे गुरु जी नमस्ते नमस्ते मैं भी थारा वीडियो देखू। अरे भैया वो सौभाग्य मन मिले है क्या छोड़ दू मैं, बुढ़ा बुढ़ा आदमी भी कैसे तो पांच जना है कहने पर थारी क्लास में पांच जना इसे बार जाके उन्दा सुंदा बोलेगा गुरु जी तो न्यू बोल रहे तन तो क्या बेरो कोई नहीं तू तो सीधो ही है तू तो कभी बैड भी कौन पटिया हो गया फलानती फलानती समस्या बस स्टैंड के पीछे प्रत्येक रविवार और सोमवार को मिलिए बैड भी तू कौन पटिया हो गया तन तो बेरो ही को नहीं हो गया क्या मैं ही सिखाया तन ठागे सन्नी लियो ना सगड़ा वीडियो देख लिया शरीफ बनाए भैया। दुनिया कहने पर कौन और थाने भी आए को कोई आपके बारे में बोलता है ना कभी चिंता ना करियो। दुनिया बोलेगी और जिसके बारे में जितना ज्यादा बोला है जो जितना बदनाम हुआ उसका उतना ही नाम हुआ। आप खुद देख लो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखो, नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने कितना बोला है, दोबर प्रधानमंत्री बन गयो नहीं। केजरीवाल के बारे में लोगों ने कितना बोला है, सौ ज्यादा बोले हो दिल्ली में आ गयो पंजाब में आ गयो राजस्थान में एंट्री और ले रही है सबसे ज्यादा बार बोला गया इसको। मतलब लोगों ने इतनी पोस्टें की इसके लिए कि इसको देशद्रोही घोषित कर दियो। बोलो एक आदमी ने तो बेचारा ना इसी कौन जाने तो थार बारे में कोई बोल रहे नहीं बोलन दो। लोगों ने जिंदे जी गांधी जी को नहीं बख्शा यार गोलियां चला दी, जीते जी लोगों ने अम्बेडकर जी को नहीं बख्शा थेर में हाँ किए तो ये थारी की औकात है बताइयो। इन लोगों जितना तो कोई कर नहीं सकता, लोग आ नहीं कौन बख्शी बोलो आदमी ठीक हो। हम मुगलों को क्यों पट रहे हैं, वो कोई फेसबुक को है तो महाराणा प्रताप ने किंग सागर लड़ाऊ बता दे खाने तू भी थे बताओ महाराणा प्रताप ने किंग सागर लड़ाना है मान ली मुगलान बारह काटना है। अब रावण ने बारह काटा है राम ने लड़ाओ किंग सागर आप बताओ। ए फेसबुक या नेता है ए फेसबुक पर पढ़े उसे नहीं पता कि मुगल आने के बाद में भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं आई, उन्होंने भारत को इतना मजबूत कर दिया वरना लोग अपन ठोक के जाता और अपन लूट के और ले जाता जगह लुगायन उठा के और ले जाता। आप देखो बाबर आने के बाद में औरंगजेब तक भारत में कोई अटैक नहीं हुआ, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का हो गया पतन, उसके बाद में नादिर शाह आया था जिसने इतना कत्लेआम किया था दिल्ली के अंदर
कभी पटना नादिर शाह का फरमान जब पता चलेगा उसने कितना बुरा कत्लेआम किया था, चार और लाशें ही लाशें कर दी थी उसने, जो यहाँ से तख्ते था उसे लूट के लेके गए। एक ये फेसबुक का नेता हुए, देश जितना मजबूत होगा, आप देख लो मुगलों के समय कोई भारी आक्रमणकारी नहीं आया क्योंकि उनका उतना खौफ था, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था। तो किन लड़ाओ मारना, अब सांगेन किंग सागे लड़ाऊ बता तू, भी बाबर सागे लड़ानो पड़ेगा सांगेन, जब मुगल में 12 काट दी फिर किंग सागे लड़ाऊ तू बता, अशोक गहलोत सागे ठीक हो कौन समझाओ तो आने बुद्धि नाम की फेसबुक पर पढ़ ले, अरे भी यही चालू हो जाए अंग बहु इतिहास इसे ही जाने पढ़ना पड़ेगा भैया। आप रामायण पढ़ोगे आपको रावण का नाम लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आप उनको, रावण को बाहर निकाल दोगे रामायण कैसे पढ़ोगे आप भी। राम का अस्तित्व किस वजह से है तो महाराणा प्रताप का अस्तित्व किस वजह से है भी, अकबर लड़ाई करी जीती तो है बावड़ोगे ठीक हो।